तो गिट्टी के नंबर एक सिंपल फाइल होती है, ठीक है, जिसमें हम ये रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सी फाइल को हम पुश करना चाहते हैं और कौन सी को इग्नोर करना चाहते हैं। तो हम गिट के सेटअप का चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमने ये भी देखा गिट को कैसे इंस्टॉल करना है, ये देख लिया कि गिट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है लोकली और ग्लोबली, ठीक है। और इसी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है जो कि है गिट को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे हम गिट इग्नोर से, ठीक है। कस्टमाइज़ का मतलब क्या कि किस चीज़ों को हम गिट पे पुश करना चाहते हैं, किस को इग्नोर करना चाहते हैं, ये सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं गिट में, वो भी गिट इग्नोर के थ्रू। तो आपको मैं बताता हूँ कि गिट इग्नोर होता क्या है। तो गिट इग्नोर एक सिंपल फाइल होती है, ठीक है, जिसमें हम ये रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सी फाइल को हम पुश करना चाहते हैं और कौन सी को इग्नोर करना चाहते हैं। इसमें हम एक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं कि इस जैसी अगर चीज़ें हो, इस जैसी अगर फाइल्स हों तो उनको स्किप करो, ठीक है। तो मैं उसी प्रोजेक्ट में जाता हूँ जो मैंने अभी क्रिएट किया था, तो मैं VS को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ .gitignore, ठीक है। तो ये gitignore फाइल है, यहाँ पे मैं वो फाइल्स का नेम दूंगा जिनको मैं इग्नोर करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ home.html, तो ये मेरी होम फाइल को इग्नोर कर देगा, ठीक है। इग्नोर कर देगा का मतलब कि अगर मैं चाहूँ कि अपना कोड जो लेटेस्ट है उसको मैं कमिट करके पुश करना चाहूँ तो ये वाली फाइल स्किप हो जाएगी, और जितनी फाइल्स होंगी सारी जाएंगी, बट ये फिर स्किप हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मेरी ये फाइल ना जाए, ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो होगी एक सिंपल फाइल। अगर मैं चाहता कि जितनी HTML फाइल है सारी स्किप हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, star.html। इससे क्या होगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी .html फाइल होंगी वो सारी इग्नोर हो जाएंगी, वो रिपोजिटरी पे नहीं जाएगी, वो कमिट ही नहीं होगी, ठीक है, मतलब कि वो स्टेजिंग पे भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे ये कर सकते हैं कि star.log। इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोई लॉग फाइल बनी है तो वो रिपोजिटरी पे नहीं जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर होती app.log फाइल, सपोज ये अपने आप ही जनरेट हुई है, मैंने नहीं जनरेट की, ये खुद से जनरेट हुई है, तो अगर मैं अब अपना कोड स्टेजिंग में डाल के कमिट करके उसको पुश करने की कोशिश करूंगा तो मेरी ये HTML फाइल चली जाएगी, मेरी ये गिट इग्नोर फाइल चली जाएगी, बट मेरी ये app.log फाइल नहीं जाएगी। इसको वो ट्रैक भी नहीं करेगा कि इसमें क्या चेंजेस हुए, उसको कोई लेना देना नहीं इससे, ये एक तरह से उसने पूरी इग्नोर कर दी है, जैसे इसका नाम ही पता लग रहा है कि गिट इग्नोर, मतलब कि इस पूरी फाइल को इग्नोर ही मार दी इसने, मतलब जितनी भी .log फाइल होगी सबको इग्नोर मार देगा। इसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या चेंज हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, अपडेट हुआ है, कोई लेना देना नहीं है। तो गिट इग्नोर में हम वही फाइल डालेंगे जो कि सिस्टम ने खुद जनरेट की और ये जनरेट करेगा भी आगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर बनता है, वो अपने आप ही बनता है जब हम npm इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। npm इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या करता है, सारे पैकेजेस को डाउनलोड करके नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में डाल देता है ताकि उसको हम रन कर पाएँ। और जो नोड मॉड्यूल का फोल्डर होता है वो GBs में होता है। आपका प्रोजेक्ट हो सकता है कि 1 MB का है, बट वो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर वो GBs में हो जाता है, 2 GB 4 GB 5 GB। अगर आप वही अपलोड करने लगे फिर तो आपकी रिपोजिटरी भर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे कि ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो जब दूसरा डेवलपर इसको पुल करेगा, वो फिर से npm स्पेस इंस्टॉल करेगा तो उसके पास भी तो डाउन हो जाएगी, तो मैं क्यों इसको रिपोजिटरी में रखूँ जो अपने आप होने वाली है। अब ये home.html फाइल उसके पास अपने आप डाउनलोड नहीं होगी, ये तो उसको मुझे देनी ही होगी, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को तो मैं इग्नोर नहीं करूँगा, हाँ जो फाइलें अपने आप बन रही है और वो काम की नहीं है उनको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। अगर मैं कोई डायरेक्टरी, अगर मान लो यहाँ पे एक और फोल्डर होता पवन नेम का, और मैं चाहता हूँ कि ये पवन नेम के फोल्डर के अंदर जितना भी कुछ पड़ा है, इसके अंदर सब फोल्डर जिसके अंदर फाइल्स पड़ी हैं वो सब भी इग्नोर हो जाए, तो मैं इस फोल्डर का ही नेम दे दूँगा इतना, तो ये क्या करेगा, इस फोल्डर को इग्नोर मार देगा। अब इस फोल्डर के अंदर जो भी है इसको कोई लेना देना नहीं है, क्या पड़ा है, कैसे पड़ा है, सब इग्नोर, ठीक है। तो ये गिट इग्नोर फाइल में हम ऐसे एंट्रीज करेंगे जिससे कि हम अपनी गिट को कस्टमाइज़ कर सकें कि हम क्या क्या पुश करना चाहते हैं, क्या क्या नहीं। अब जैसे एग्जांपल में क्या बता रहा है कि star.ds_store, तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई भी फाइल जिसकी एक्सटेंशन, मतलब जिसके नाम के पीछे .ds_store लगा हो, उन फाइल्स को इग्नोर मारो,
ठीक है, ये कुछ सिस्टम की फाइल्स होती हैं। अगर आप ये IDE के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो वो खुद से एक डॉट gitignore फाइल क्रिएट कर देता है, जिसमें वो कॉमन प्रोजेक्ट के कॉमन एक्स्ट्रा फाइल्स को इग्नोर कर देता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो मैंने ये डार्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था कमांड लाइन के थ्रू, तो उसने ये खुद से डॉट gitignore फाइल क्रिएट की थी। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, तो इसने डॉट डार्ट टूल नाम की एक एंट्री की थी। वो इसलिए की थी ताकि ये वाला फोल्डर एक्सक्लूड हो जाए, क्योंकि ये फोल्डर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ये मैंने कोई जहाँ पे कोड नहीं लिखा हुआ, ये सिस्टम ने खुद से जनरेट किया है। तो मैं नहीं चाहता कि ये फिर जाए, क्योंकि जब मेरा डेवलपर इसको प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश करेगा तो उसके पास भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, तो मैं इसको यूज़ ही नहीं करूँगा। और मैं चाहता तो इस डॉट VS कोड को भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी VS कोड की कॉन्फ़िगरेशन ना जाए दूसरे के पास। ठीक है, मतलब वो सारी एंट्रीज मैं यहाँ पे करूँगा जिसको मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, वो फाइल्स हो सकती है, फोल्डर हो सकते हैं। तो ऐसे हम गिट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल टिप्स है अगर आप गिट इग्नोर को यूज़ करना चाहते हो, तो भी देख लेते हैं हम। पहली टिप क्या है, ये कह रहा है कि गिट इग्नोर फाइल को हम किसी भी डायरेक्टरी में क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि ये रूट में हो, ये पवन नाम के फोल्डर के अंदर हो सकती है, ये किसी और फोल्डर के अंदर, मतलब किसी भी फोल्डर के अंदर हो सकती है, और उस फोल्डर के बिहेवियर के लिए काम करेगा। फिर ये उसके ऊपर वाले फोल्डर का बिहेवियर नहीं एक्सेस करेगी। कहने का मतलब है कि अगर ये रूट डायरेक्टरी में पड़ा है डॉट gitignore, तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करेगी। मतलब कि और कोई फोल्डर के अंदर फोल्डर भी है उसको भी ये हैंडल कर लेगा। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे डॉट लॉग फाइल को इग्नोर किया है, तो अगर यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स हों, उनके अंदर फोल्डर्स हों, उनके अंदर फोल्डर्स हों, वहाँ पे डॉट लॉग फाइल पड़ी है, उसको भी इग्नोर करवाएगा। बट अगर मैंने ये gitignore का कोड पवन के अंदर रखा होता, तो सिर्फ पवन के अंदर लॉग फाइल इग्नोर होती, बाहर वाली लॉग फाइल इग्नोर नहीं होती। तो ये कह रहा है कि गिट जो है वो gitignore फाइल को इग्नोर कर देता है, और कह रहा है कि आपको अपनी रिपोजिटरी पे इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट आप चाहते तो ऐड कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि अब आपने तो ये ऐड कर दिया gitignore, और इसमें आपने ऐड कर दिया कि लॉग फाइल्स को ऐड ना करें। अब आपके और आपने इसको एक्सक्लूड रख दिया कि ये भी ना पुश हो। अब आपके डेवलपर ने जब इसको क्लोन किया कोड को, मतलब कोड कॉपी किया, उसके पास तो gitignore गया नहीं, और मान लो उसके पास लॉग फाइल पड़ी है, तो वो लॉग फाइल जो है उसकी तरफ से रिपोजिटरी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो gitignore फाइल है ही नहीं। तो इसलिए आप अगर चाहो तो gitignore फाइल को रिपोजिटरी में डाल सकते हो। ये आपके यूज़ केस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा चाहते हो, आप चाहते हो gitignore को रिपोजिटरी में डालना या नहीं, ये आप पे डिपेंड करेगा। उसके बाद कह रहा है कि आप मल्टीपल gitignore फाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल का मतलब है कि मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर उनकी अपनी gitignore फाइल। उसके बाद क्या कह रहा है, गिट जो है वो ऑटोमेटिकली मर्ज कर देगा gitignore फाइल्स को जब आप उसको क्लोन करोगे या पुल करोगे। तो ये कुछ चीज़ें थी gitignore के रिलेटेड, जिसके थ्रू आप गिट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो आई कैन क्रिएट मोर वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू। फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स एज वेल, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो।